नमस्कार छात्र, स्वागत है आपका प्रियंका एकेडमी में, जहां आज हम क्लास 9वीं की कविता बाघ के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी रचनाकार दलदे है। छात्रों, कविता की ओर बढ़ने से पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस कविता को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए छात्रों, बाघ की रचना का ललद्दे जी के बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। ललद्दे जी एक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं, जिनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी काव्य शैली को बाघ कहा जाता है। जिस प्रकार सूरदास की रचना को पद कहा जाता है, कबीर जी द्वारा लिखी गई रचनाओं को दोहा कहा जाता है, उसी प्रकार इनकी शैली को बाघ कहा जाता है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। छात्रों, तो हम पहले की पद की ओर बढ़ते हैं। पहली पंक्ति है छात्रों, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही ना नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी तपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीने ही उठती कह रहा भूख, घर जाने की चाह है। तो छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवित्री है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो उसके प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। इन पंक्तियों में जो कवित्री है वो नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहती है कि जो नाव है वो उसका जीवन है, और वो कहती है कि इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही है। सांसों द्वारा वो अपने जीवन को चला रही है और वो कच्ची हो चुकी है, यानी अब लेखिका कवित्री की जो उम्र है वो बढ़ गई है, और जैसे जैसे सांसें जो है उसकी डोरी जो है वो जिंदगी से छूटती जा रही है, वो कच्ची पड़ती जा रही है, उन कच्ची सांसों से वो अपने जीवन को अभी तक चला रही है। वह इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि कब ईश्वर उसकी पुकार सुनेंगे, कि जाने कब सुन मेरी पुकार, और कवित्री कह रही है कि कब ईश्वर उसकी पुकार सुनेंगे, करे देव भवसागर पार, देव अर्थात ईश्वर, भवसागर अर्थात संसारिक जीवन, और कब वो इसको इस सांसारिक जीवन से मुक्ति दिलाएंगे, कब उसको पार करेंगे, उसकी पुकार सुन कब उसे जिंदगी से पार करवाएंगे। पानी तपके कच्चे सकोरे, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उसी प्रकार उसने अपने शरीर की तुलना जो है मिट्टी के कच्चे ढांचे से की है, कि जिस प्रकार कच्चा जो मटका होता है जब वो बनता है, एकदम फ्रेश होता है, वो गीली मिट्टी होती है, और उसको बनते के साथ ही अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे तो वो पानी उसमें से लीक करने लग जाएगा, पानी की लीक करने लग जाएगा, क्योंकि वो अभी कच्चा है, वो पका नहीं है पूरी तरीके से। पहले जो ये होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, पहले उस मटके को बनाएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको पक्का करेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, लेकिन कच्चे बर्तन में आप पानी डाल दोगे तो उसमें से पानी जो है टपकेगा। तो यहाँ पर भी कवित्री ने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है ईश्वर को पाने के लिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, और उसकी सांसों की कड़िया कम होती जा रही है, उसकी उम्र कम होती जा रही है, और उसकी जो प्यास है जो मिलने के ईश्वर से, वो सारे प्रभु मिलन के लिए किए गए जो भी सारे प्रयास है वो विफल होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, वो किसी एक तरीके पे नहीं, वो सांसारिक बंधनों में बंधी हुई है, उसको नहीं पता किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो कभी किसी और तरीके से ईश्वर को पाना चाहते, कभी किसी और तरीके से, लेकिन वो भूल चुकी है कि ईश्वर अपने ही अंदर विद्यमान है। उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है और असफलता प्राप्त होने से उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो अपने भक्ति मार्ग को छोड़कर और अन्य तरीकों को अपना रही है, जिससे उसे ईश्वर नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, और हूँ यानी उसको वही गिल्ट फील हो रहा है, उसको वही गलानी हो रही है, उसके जी में, उसके मन में रह रहकर हूँ उठ रही है, उसके मन में गलानी उत्पन्न हो रही है, घर जाने की चाह है, और किसके घर जाने की, ईश्वर के पास जाने की जो चाहत है वो उसको घेरे हुए है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को नहीं पा रही है। तो इन पंक्तियों में लद्दे यही कहना चाह रही है कि जो जीवन की नाव है
वो अब कम होती जा रही है, उसका जीवन खत्म होता जा रहा है, उसकी सांसें जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, और वो अलग अलग तरीकों से ईश्वर को पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके जो सारे प्रयास है वो विफल हो रहे हैं और वो ईश्वर को पा नहीं कर पा रही, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही। तो आइए अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकार, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल अर्थात कुंडी, द्वार अर्थात दरवाजा। खाने का मतलब यहाँ खाना खाना नहीं है, किसी चीज को ग्रहण करना। यहाँ पे कवित्री इन पंक्तियों में यही कहना चाहिए कि जीवन में संतुलनता की महत्ता वो बता रहे हैं कि जीवन में हर चीज का बैलेंस होना कितना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर आप सारा दिन जंक फूड ही खाते रहो तो भी नुकसान है, और सारा दिन दाल रोटी खाते रहो तो वो भी, मतलब आपको कभी ना कभी, जैसे होता है ना जो जिम वगैरह करते हैं उनके लिए एक चीट डे होता है कि एक दिन वो बाहर का कुछ जंक फूड खा सकते हैं, तो ऐसे ही जीवन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना ही कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ना ही कोई चीज़ बिल्कुल कम अच्छी है। तो यहाँ पे कवित्री ने जीवन की संतुलनता को बताया है और कहा है केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से भी कुछ नहीं मिलेगा और प्रतिदिन स्वार्थी वो बनता जाएगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, फिर सारा दिन भोग उपभोग सांसारिक मोह माया में बंधा रहेगा तो भी उसको कुछ नहीं पाएगा, और जब वो इन चीजों को बिल्कुल भोग उपभोग को लेना छोड़ देगा तो उसमें क्या अहंकार आएगा कि देखो मैं तो इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हूँ, मैं तो योग साधना की ओर बढ़ गई, तो भी उसमें अहंकार आएगा। इसलिए यहाँ पे कवित्री कहना चाहती है कि जिस दिन मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन जाएगा तो अहंकारी हो जाएगा। इसलिए आगे चल के कवित्री यही कहना चाह रही है कि समखा, कि हर चीज समान होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ना ही ज्यादा उपभोग करना चाहिए ना ही भोग को छोड़ देना चाहिए, कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए ना ही उसको बिल्कुल त्याग लेना चाहिए, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए जिससे संभाव की भावना उत्पन्न हो। संभावी अर्थात संभाव की, समानता के भाव की भावना उत्पन्न हो। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, सांकल बंद द्वार की, कि इससे क्या होगा उसके हृदय में उदारता आएगी, उसके अंदर अपने पराए के जो भेदभाव है वो उन चीजों से ऊपर उठ पाएगा और उसके जो समस्त संसार के जो दरवाजे है वो अपने लिए खोल पाएगा, यानी वो अपने हृदय में सबको जगह दे पाएगा। ये नहीं कि ये मेरा है तो मुझे सिर्फ इसके लिए करना है और वो पराया तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना, नहीं, अपने हृदय में वो सबको एक समान मान पाएगा। तो यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यही कहना चाह रही है कि ना ही हमें इन भोग विलास की चीजों में लिप्त हो जाना चाहिए ना ही इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि लिप्त हो जाएंगे तो हम इनमें खो जाएंगे और अगर इनका त्याग कर देंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। इसलिए हमें इसके बीच का रास्ता ढूंढना होगा, तभी हमारे अंदर सद्भाव की भावना जागृत होगी और हमारे हृदय के द्वार दूसरों के लिए खुल जाएंगे और हम अपने पराए के भेद को भूल जाएंगे। तो चलिए तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं, तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं छात्रों। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, चेत कटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दी क्या उतरा। तो छात्रों इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। वो अपने पश्चाताप को किस तरह उजागर कर रही है कि वो आई तो सीधी राह से थी, वो सीधी राह से ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, वो परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति मार्ग को अपना रही, मतलब सीधा रास्ता था और भक्ति मार्ग को ना अपना कर उसने हठ योग का सहारा लिया और कहीं ना सीधी राह, और उसने हठ योग का सहारा लिया। हठ योग उसे कहा जाता है जिसमें भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर योग को जागृत कर अपने और परमात्मा के बीच एक शॉर्टकट बनाना, यानी एक सेतु बनाने की कोशिश यहाँ पे जो कवित्री है वो कर रही है। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु, सुषुम हमारी इंद्रियों के बारे में बात की गई, हमारी एक नाड़ी है जिसको ब्रह्म स्वरूप भी कहा जाता है, जिसको अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमें कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी और बीत गया दिन आहा, और मैं इसी कश्मकश में लगी रही और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं आडंबर अपनाती रही, बाह्य आडंबर अपनाती रही, और क्या हुआ कि मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तो मिला नहीं, परंतु वो हमेशा असफल होती रही और उसकी आयु भी
बीत गया दिन आहा और उसकी आयु बढ़ती ही चली गई। यानी जिस काम को वो करना चाह रही है वो काम नहीं हो रहा, लेकिन टाइम पीरियड उससे निकलता जा रहा है। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अब यहाँ मांझी कोदू क्या उतरा है? मांझी कहा जाता है जिस प्रकार आप नदी पार करने के लिए एक नाव में सवार होते हो, और जो उस नाव को चलाने वाला जो चालक होता है आपसे पैसे लेता है तो उसको मांझी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जो कवित्री वो यही कहना चाह रही है कि जेब टटोली, कि अब इस संसारिक जीवन में तो वो आ चुकी है। इस संसारिक जीवन में कौन लाता है? ईश्वर लाता, परमात्मा लाता है। तो ईश्वर ने हमें किसी ना किसी प्रकार के मकसद के लिए धरती पर भेजा होता है। तो लेकिन कवित्री यहाँ पर कह रही है कि मैं उस किसी तरह के मैंने कोई कर्म नहीं किए, मैंने कोई अच्छे कार्य नहीं किए कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। और मैंने जब मुझे भव सागर में पार कर चुकी संसारिक इससे पार पा चुकी हूँ, और जब अपनी गलती का उसे एहसास हुआ कि उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, अपनी जिंदगी का लेखा जोखा जब उसने देखा, उसने पाया कि कोई पुण्य का काम नहीं किया, और अब उसके पास कुछ करने के लिए समय भी नहीं बचा है। तो जेब टटोली का मतलब कि जब उसने अपना लेखा जोखा देखा तो उसने पाया कि कोई उसने पुण्य का काम नहीं किया, तब तो मांझी को वो देगी क्या, यानी ईश्वर को क्या जवाब देगी? अब तो परमात्मा से मिलन हेतु उसे भवसागर के पार जाना होगा, और जब पार जाने के लिए परमात्मा उससे उतराई मांगेंगे, यानी उससे वो उसका लेखा जोखा मांगेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में किस तरह के काम किए, तो वो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो ईश्वर को मुंह दिखा सके, तो क्या उतराई वो देगी? यहाँ पे इन पंक्तियों को मतलब यही है कि यहाँ पे यही बात की गई है कि भगवान सीधे रास्ते से उसने उसे भेजा, लेकिन उसने गलत रास्ते को चुना। उसको ईश्वर भक्ति मार्ग से अपनाना चाहिए था, लेकिन उसने परमात्मा को हठ योग से अपनाने की कोशिश की। उसने कोई पुण्य का काम नहीं किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब उसको ईश्वर से फेस करने का टाइम आएगा तो उसके पास कोई भी पुण्य का काम नहीं होगा, और वो ईश्वर को मुंह नहीं दिखा पाएगी। तो छात्रों चौथे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत सरल है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पे जो कवित्री है ललित है वो यही कहना चाह रही है कि ईश्वर जो थल थल में यानी कण कण में बसता है, हमें ईश्वर को शिव शिव कौन है? ईश्वर। तो यहाँ पे कवित्री यही कहना चाह रही है जो ईश्वर है वो कण कण में बसता है। ईश्वर किसी एक जगह पे मिलने वाली वस्तु नहीं है कि हम सिर्फ मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, गुरुद्वारों में जाकर, सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाकर। ईश्वर हर जगह विद्यमान है कि थल थल में कण कण में बसता है ईश्वर ही शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। और ईश्वर में कोई भेद नहीं किया जा सकता कि ईश्वर हिंदू है या मुसलमान है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यानी हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर तू स्वयं को इतना सच्चा ज्ञानी मानता है, तो स्वयं को इतना मानता है कि मुझसे ज्यादा सच कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, तो सबसे पहले तू स्वयं को जान, इधर उधर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही है साहिब, और साहिब यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया। और यही है जिस दिन तू अपने आप को जान गया कि तू कौन है, तू धरती पे क्यों आया है, तेरा क्या लक्ष्य है, उस दिन तुझे ईश्वर को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उस दिन तुझे वही ईश्वर यानी साहिब से तेरी पहचान हो जाएगी। इस दिन तू खुद ईश्वर से बिना किसी आडंबर के मिल पाएगा। तो छात्रों आशा है आपको चारों भाग बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपके सहयोग की आवश्यकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।